जो आपकी फिफ्थ भी है उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन करवा देते, 9 का करवा दिया था, 10 का नहीं करवाया, वो सेम है ना। और 11 नंबर क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका dx by 1 और dy by माइनस का 2 बराबर dz, हाँ, और dz बराबर क्या है, 3x square और साइन ये आपका है वाई प्लस 2x, हाँ ये लो ये आपका क्वेश्चन है ना। तो देखें सबसे पहले देखें ये दो, देखो दो टर्म बैलेंस दी गई है तो इनको ही लिख लेंगे सबसे पहले ना, क्या है क्योंकि इनमें कोई भी वो नहीं है, एक दूसरे के चर नहीं है ना, एक्स के नीचे भी कुछ नहीं है और वाई के नीचे भी कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। इसको देखो सॉल्व हो जाएगी आराम से, ये हो जाएगा आपका 2dx बराबर ये हो जाएगा आपका dy, कर दो इंटीग्रेट है ना। जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका है ना, इसको थोड़ा सा देखो ऐसे लिख लो, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो, ये इधर इस साइड आया y माइनस का 2dx, ये आपका इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट और ये आपका कोफिशिएंट 2c है ना। इसका करेंगे तो y इसका माइनस का 2x प्लस c, तो y प्लस 2x बराबर c, एक तो आपका ये वैल्यू आ गई, एक तो आपकी ये वैल्यू आ गई और ये आपका इस समीकरण का एक हल होगा है ना, ठीक है। अच्छा तीनों एक साथ क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखो ये जो है सेपरेट दे रखी, दो टर्म बिल्कुल सेपरेट दे रखी जिनमें कोई जेड का फंक्शन नहीं है ना, इसमें डी एक्स का भी नहीं है, देखो ये भी सेपरेट है ये भी सेपरेट है ना, और इसको इसलिए नहीं है इनके साथ क्योंकि इसमें y का भी आ रहा है और x का भी आ रहा है, y भी आ रहा है ना। आगे देखिए 3x square, 3z square, 3x square, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहां से देखें आप, एक तो आप ले लें कौन सी dx ले लें, ठीक है, एक तो ले लिया हमने dx by 1 और दूसरा हम ले लिया dz, क्या ले लिए dz और कितना 3x square और sin, यहां से देखें भैया y plus 2x और y plus 2x का मान कितना है c बराबर sin c। अब ये sin c भी कैसा पद हो गया, एक कांस्टेंट हो गया है ना, कांस्टेंट हो गया। अब यहां से देखें ये 3x square इस साइड आएगा तो ये हो गया आपका 3x square और आपका dx है ना, ये इंटीग्रेट और ये हो गया आपका dz और sin c जो आपका एक कांस्टेंट है ये और प्लस आपका c। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3/2 एक्स एक्स क्यूब बाई 3 सॉरी एक्स क्यूब बाई 3, तो आपका ये जो 3 है इससे 3 कट गया बराबर आपका ये कितना हो जाएगा z अपॉन साइन c प्लस आपका c। यहां से देखें तो आपका ये एक ये हो गया कि एक्स क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस जेड अपॉन साइन सी बराबर सी सी, ये आपका सी टू करो भैया इसको है ना, ये आपका सी कर दिया उसको सी वन या सी टू करो, ये आपका सी टू। अब देखो सी की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू क्या है आपका, सी की वैल्यू कितनी वाई प्लस टू एक्स है ना बराबर आपका सी टू, ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। अगर और करना चाहो तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दो वो इसका सॉल्यूशन हो गया ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 11th हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखें अगर और सॉल्व करना चाहो आप इसको तो इस वाले स्टेप से देखो, या तो फिर आपका ये आंसर ठीक है या फिर इस वाले स्टेप को उठाओ है ना, इस वाले स्टेप को उठाओ और इस वाले से देखो क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब है और ये अपना साइन सी लिख सकते हैं साइन सी माइनस का आपका जेड बराबर सी साइन सी है ना, ये सी टू आपका और साइन सी। देखो ये दोनों जो वैल्यू है आपकी वो कैसी है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो ये एक नया कांस्टेंट मान लेते हो ना सी वन, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब और ये आपका साइन टू एक्स प्लस वाई है ना, ये आपका और ये आपका माइनस का जेड और ये आपका सी वन, एक आपका ये आंसर हो गया है ना, एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया और एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो dx अपॉन xy बराबर dy अपॉन y स्क्वायर बराबर आपका dz या आपका है xyz और माइनस आपका 2x स्क्वायर ये है ना, ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखें ये दोनों टर्म जो सेपरेट दे रही, तो पहले सेपरेट वाली को सॉल्व कर लेते हैं है ना, इससे एक सॉल्यूशन आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर है ना। ये देखो वाई से वाई गए हम कर दो इंटीग्रेट, ये आपका लॉस ठीक है ना, इसको आप सी वन कर लो ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग वाई और ये हो जाएगा आपका लॉग सी। अब लोग हटाएंगे दोनों साइड से तो लगेगा एक्स बराबर वाई सी वन ठीक, ये हो गया आपका एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो आपका ये हो गया। अगर सेकंड सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं तो सेकंड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन ले लो, ये वाली ले लो या फिर ये वाली ले लो। चलो मैं आपको लेता हूँ कौन सी वाली, ये वाली ले लेता हूँ डी वाई अपॉन अपना वाई स्क्वायर ठीक है, और ये आपका है डी जेड अपॉन कितना एक्स वाई जेड माइनस का टू एक्स स्क्वायर है ना। और से देखो x बराबर क्या है वाई सी वन है ना, y c1 तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर और जहां पर भी x स्क्वायर देखिए वहां पर रख दो y c1, तो y c1 रखूंगा तो देखो x की वैल्यू हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर जेड c1 माइनस या फिर कितना हो जाएगा टू वाई स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, ये देखिए ये वाला टर्म बन जाएगा हाँ, x की जगह वैल्यू रखता हूँ क्योंकि x को काट नहीं सकते अपन, लेकिन जो इसका रिलेशन है इससे निकाल सकते हैं उसको शोर कर सकते हैं, रख दिया ठीक है। अब देखें dy अपॉन y स्क्वायर यहाँ से dz इसमें से भी y स्क्वायर कॉमन आपका है ना, y स्क्वायर कॉमन किया जाएगा जेड c1 माइनस का 2c1 का स्क्वायर, देखो पूरा पर कॉन्स्टेंट बच गया जेड के बाद है ना, ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया है ना, कर दो इंटीग्रेट आपका सेकंड कोफिशिएंट सिट टू है ना, या फिर इसको लॉग में लेना चाहो तो लॉग में ले लो है ना, सिट टू रख लेते हैं, ये हो जाएगा कितना इसको करेंगे तो ये हो जाएगा वाई बराबर ये लॉग लॉग और कितना जेड सी वन माइनस का टू सी वन का स्क्वायर, और देखो ये कोफिशिएंट जो सी वन है वो इसके यहाँ भी आएगा क्योंकि जेड का करेंगे तो c1 आपका बढ़ेगा आ जाएगा ना प्लस आपका कोफिशिएंट c2, और सॉल्व करें इसको c1 की मान रखी c1 का मान कितना है ना, यहां से देखिए c1 का मान है अपने पास कितना x upon y, तो यहां पर रखेंगे x upon y जिनकी y upon x देखते जाइए log और ये आपका z और c1 का मान रखेंगे तो ये वही x upon y है ना, ये यहां से हो जाएगा आपका z x अपॉन में y और ये आपका माइनस है ना, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा टू और यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ये मान रख दिया और प्लस आपका सिट टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देखो ये वाई वाई से वाई कट गया तो गुणा में तो कट सकती है आराम से वाई कट गई ठीक है, एक्स को इस साइड भेज दूँ है ना तो एक्स की टर्म ही बचेगी, ये लो ये आपका एक्स इस साइड आ गया एक्स ये हो गया आपका लो है ना, एलसीएम ले लिया एलसीएम कितना आ रहा है वाई स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा जेड एक्स वाई और ये आपका कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस आपका सिक्स टू हम ये देखो। अब यहाँ से गौर से देखो एक बार ये वाला बेटा आराम आपका ये पॉइंट देखो एक बार आप, अगर मेरे पास ऐसा फॉर्मूला होता है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ है ना, लिख सकता हूँ ना इजी, तो मैं उसको भी ये लिखूंगा लोग वाला तो जगह एक्स लोग अपने पास हो जाएगा कितना जेड एक्स वाई माइनस का टू एक्स स्क्वायर और माइनस का लोग वाई स्क्वायर
प्लस में सी टू, ये हो गया हाँ। चलो ये आंसर लिख दो या फिर एक स्टेप और बढ़ा दो, ये लो लो ये आपका टू नीचे आ जाएगा है ना, ये भी तो फॉर्मूला होता है लोग में, ये लो ये आपका सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा। एक सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा और एक जो मैंने पहले बताया था वो वाला हो जाएगा, कौन सा एक्स बराबर वाई सी वन, ठीक है ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उतारे एक बार इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका है, ये आपका है डी एक्स अपॉन कितना है एक्स जेड, और ये आपका है जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर आपका है डी वाई है ना, और यहाँ पर आपका वाई जेड, और ये आपका हो गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई है ना, और ये आपका होगा बराबर आपका कितना टी जेड अपॉन टी जेड अपॉन हो गया आपका एक्स वाई है ना, टी जेड अपॉन एक्स वाई नहीं एक्स फोर एक्स फोर ठीक एक्स फोर, यहां से देखें हाँ। अब अपने को क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है ना, अपने उसके सॉल्यूशन दे दे। देखो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये वाले जो टर्म अपने जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई है ना, सेम टर्म है तो कितनी हो जाएगी एक्स जेड टू, और ये भी कितनी, ये देखो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में देखो नहीं कंपेरिजन करो, तो क्या मैं इसका ऐसे सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, संभव है दोनों टर्म में जाएगी इसका, ठीक है इससे मैंने ये काट दिया, ठीक है इससे मैंने काट दिया जेड से मैंने ये काट दिया, ये माइनस है ना, तो ये लो आपका क्या बच गया, ये यहां से करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का लॉग वाई और प्लस आपका लॉग सी, तो यहां से अगर और सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई बराबर सी वन, ये आपका जो है एक सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा है ना। हालांकि ये सॉल्यूशन हो सकता है आपको बुक में नहीं मिले ना, बुक में भी बन नहीं, लेकिन मैंने बताया कि आपका ये भी सही है सॉल्यूशन, आपका ये भी बिल्कुल सही है ना। अब मैं निकलवाऊंगा आपको दूसरे सॉल्यूशन है ना, देखिए यहाँ से दोनों इक्वेशन, तो इसमें क्या करूँ, देखो यहाँ पर देखो जेड स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर है और यहाँ पर z क्यूब हो जाएगा, तो z क्यूब यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो z क्यूब होगा ना उसके साथ y है, और यहाँ पर जो z क्यूब होगा उसके साथ x है, यानी कि फर्क क्या है कि यहाँ पर तो आपकी y नहीं है और यहाँ पर आपका x नहीं है, अगर यहाँ पर x हो जाए तो फिर ये और ये कैंसिल हो सकते हैं है ना, और x यहाँ यहाँ पर y होगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर है ना, और यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा अपना y होगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर, और यहाँ पर अगर x होगा तो जरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड दोनों कट सकते हैं ना, तो देखो कितना y व x गुणक लेने का है ना, y व x गुणक लेने पर तो देखो लो गुणक, अगर गुणक लेंगे तो ये हो जाएगा आपका y dx ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स डी वन अपॉन, ये देखो वाई लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड क्यूब ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स वाई तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड माइनस है ना, आगे देखें यहां पर कितना गुणन किया एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड क्यूब एक्स वाई जेड क्यूब, ये होगा वहां पर वापस से एक्स से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर और x स्क्वायर z माइनस का x स्क्वायर और y स्क्वायर और z, यहां से एक बार देखें ये x y z क्यूब ये लो
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड का जेड, ये दोनों बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या है कि आपका वाई डी एक्स है प्लस एक्स डी वाई, उसका मान कितना है जीरो, उसका मान कितना है जीरो। और जीरो तो इट मीन्स आपका ये जो मान है ऊपर वाला जो भी इक्वेशन है ये आपकी जीरो होगी, और ये जीरो होगी तो करो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई वाई एक्स। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका वाई एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, है ना, ये आपका वाई एक्स या आपका प्लस का एक्स वाई, यहाँ तक ठीक है ना, वाई एक्स प्लस एक्स वाई और आपका बराबर बराबर हो सकता है। देखो एक चीज और भी कर सकते हैं इसमें, इसमें और भी कर सकते हैं, ये बराबर आपका जीरो हो गया तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो वाई डी एक्स बराबर माइनस का एक्स डी वाई, ये कर सकते हो आप, है ना। अब देखो आप क्या कर सकते हो, जीरो तो आपका चलेगा, आप इस साइड क्या कर सकते हो, y को इस साइड ले जा सकते हो, x को इस साइड, तो जगह आपका dx एक्स बाई एक्स, है ना, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेट, ये हो जाएगा आपका dy वाई वाई वाई, हाँ वो भी आपका नेगेटिव साइन के साथ, और प्लस आपका log c सी टू ले लो, चलो है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log x, है ना, log x बराबर log y, log x और प्लस आपका log सी टू, है ना। तो ये देखो x ये नीचे आ जाएगा वाई, सॉरी इस साइड आएगा एक्स वाई, एक्स वाई बराबर भी सी टू, है ना। तो देखो ये पहली और दूसरी इक्वेशन जो आपकी सेम आ गई है ना, तो इसका मतलब कि आप चाहे तो ये इससे निकाल लो, है ना, पहला सॉल्यूशन चाहे तो आप इस मेथड से निकाल लो, ये आपका छोटा मेथड जो सिर्फ वन टू टू लाइन्स में हो गया, है ना, और ये आपका बड़ा मेथड है ना, तो एक ही सॉल्यूशन हुआ, चाहे तो आप बुक में ये लिखो ये लिखो, क्वेश्चन में आप दोनों लिख नहीं लिखोगे, है ना, जब एग्जाम में आएगा तो ये भी ये नहीं लिखोगे और ये नहीं लिखोगे, एक लिखो या तो ये लिख दो, है ना, ये ऐसा नहीं है कि दोनों इसके आंसर है, मैंने बताया ऐसे तुम दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बताया है ना, एक ये वाला एक ये वाला, ये मेरे को देखो सबसे ईजी लगा, ये मेरे को सबसे ईजी लगा, मैं सीधा काट दो और ये देखो साफ सुथरा काम हो गया, एक डेढ़ लाइन और ये थोड़ा लेंथ ही भी कोई मतलब नहीं निकलता, और यहाँ से अगर अपन सीधा इंटीग्रेट कर देते तो दूसरा सॉल्यूशन आ जाता, जो अपन समझ नहीं पाते होता है एक्चुअल वो भी वही है। देखो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये होगा वाई एक्स और है ना, यहाँ से करेंगे तो एक्स वाई और ये आ जाएगा आपका सी टू। अब इस चीज को अपन समझ नहीं पाते, इस चीज को अपन समझ नहीं पाते, वो और वो सेम ही चीजें होती हैं, ये जो आपकी वो सेम ही चीजें हैं और अपन क्या करते हैं इसको समझ नहीं पाते, तो फिर क्या करते हैं ये यहाँ तक निकाल दोनों आंसर सेम आ गए कोई दिक्कत नहीं, तो एक सॉल्यूशन तो हो गया आपका, कौन सा भी कर लेना तुम्हें, ये कर लेना या वो कर लेना, ठीक है। अब देखें आप कौन सा सॉल्यूशन आपका दूसरा सॉल्यूशन, है ना, दूसरा सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं dx के टर्म लिखूंगा, ये लो dx, है ना, और एक्स जेड आपका यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ आपका है डी जेड और ये आपकी x की पावर 4, ये तो देखो एक x से ये कट गया तो ये पावर 3 होगी, है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये x थ्री साइड ले आया यहाँ पर आपका dx हो गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, ये z और z स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये आपका डी जेड हो गया प्लस आपका c2 आ गया बस। अब इसको सोल्व करें, अगर ये सोल्व हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, है ना, देखें इसको करेंगे तो ये जगह आपकी x की पावर 4 बाई 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये वही z की पावर 4, ये देखो z क्यूब हो जाएगा, z की पावर 4 बाई 4 प्लस आपका ये कितना हो जाएगा जेड एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई और ये आपका जेड स्क्वायर वाई 2, एक्स वाई तो कॉन्स्टेंट ना, एक्स वाई की जगह सी वन रिप्लेस करो, है ना, यहाँ पर देखो एक्स वाई की जगह क्या रिप्लेस कर दो, सी वन रिप्लेस कर दो, सी वन रिप्लेस करोगे तो फिर यहाँ पे भी सी वन आएगा और वही वापस में मान रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने मेरे को सीधा पता था कि एक्स वाई मान है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बातें तो नहीं किस चीज की, आपका सी टू, ठीक है, अब यहाँ तक बिल्कुल सही है, हाँ आप देखें आप ये जो आपने कॉन्स्टेंट लिया है वो लेंगे सी टू बाई 4, क्यों लेंगे, 4 कट जाएगा आगे सब, है ना, अब इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम लेंगे तो देखो क्या होगा, ये अपना एक्स फोर या आपका जेड फोर और ये आपका प्लस सी टू, सी वन का मान रख दो कितना एक्स वन एक्स टू, अब एलसीएम तो ले रहे हैं ना, ये टू नीचे तो यहाँ पर टू आ जाएगा, टू एक्स वाई और आपका जेड स्क्वायर प्लस आपका सी, ये इक्वेशन बन गई,
है ना। अब देखें ये इक्वेशन बन गई आपकी ये वाली। अब आगे देखें इसमें मैं क्या करूं, थोड़ा सा बुक का आंसर मिलाने की कोशिश करता हूं। आंसर तो आ गया है ना ये वाला, यहां तक तो ठीक है। अब मैं इसमें क्या जोड़ दूं और क्या घटा दूं वो आप ध्यान से देखें। ये आपका z4 plus 2x, x है और y है ना, z square तो आ गया और 2xy, यानी कि इसमें मैं x square और y square और माइनस का x square और y square जोड़ दूं और घटा दूं, तो बताओ आपको कोई फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है नहीं है ना, नहीं पड़ रहा। तो देखें अब क्या करें, इसको और सोल्व करें, और सोल्व करूंगा तो देखें यहां से आगे देखते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना x4 का x4, और ये देखो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, ये देखो ये z4 फिर 2z स्क्वायर xy और x स्क्वायर y स्क्वायर है ना ये वाला, और देखें प्लस आपका sit2 कोफिशिएंट और ये आपका x स्क्वायर y स्क्वायर क्या है c1, तो आपका c1 का स्क्वायर ना। चाहिए तो आप इसको लिख भी सकते हो, ये लिख भी सकते हो ना, एक लाइन में लिख के बताता हूँ। देखो आप इसको लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं कि लिखते हैं तो गलत है ना, क्योंकि सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन भी बिल्कुल सही है, आप ये भी कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। नहीं तो आप दूसरा करना चाहें तो देखें इससे ही दूसरा निकल जाए, ये हो जाएगा आपका क्या जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई का आपका स्क्वायर है ना, और प्लस आपका सी टू और यह आपका कितना हो जाएगा सी वन का स्क्वायर है ना, और इसको एक नए कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दें अपन, यहाँ देखें ये हो जाएगा अपना एक्स फोर आपका बराबर आपका जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस आपका एक नया कोफिशिएंट सी थ्री। ये चाहे तो आप सेकंड सॉल्यूशन ये लिख देना चाहे ये लिख देना ना, कोई भी लिख देना कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेम है ना, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है dx upon y, ये आपका dy upon x बराबर आपका dz है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है आपका x y z स्क्वायर, ये लो एक क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, वही दो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहला सॉल्यूशन तो देखो dx सेपरेट टर्म है, इनको ले लो कर दो मुझे गुणा x dx आपका y dy प्लस आपका c1 by 2, ये लो कर दो इंटीग्रेट। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा x square by 2, ये हो जाएगा आपका y square by 2 प्लस आपका c1 by 2, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर सी वन। पहला सॉल्यूशन तो आपका ये वाला है ना। सेकंड सॉल्यूशन की जब बात करूंगा, सेकंड सॉल्यूशन की बात करूंगा तो सेकंड सॉल्यूशन क्या लिखूंगा मैं, देख लिखता हूँ मैं दो ले लूंगा कोई भी, कोई भी दो टर्म, चलो मैं डी एक्स वाली लूँ, डी एक्स वाली ले लेता हूँ, डी एक्स अपॉन वाई और यह आपका डी जेड अपॉन कितना आपका एक्स वाई जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लो वाई से वाई कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है सी वन, इधर पर डी एक्स बराबर डी जेड, यहाँ पर ये देखो एक्स साइड भेज दूँ तो यहाँ पर एक्स डी एक्स हो जाएगा है ना, और ये आपका कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये आपका सी वन, ये आपका सी वन इंटीग्रेट कर दो और यहाँ पर एक नया कोफिशिएंट सी टू, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, कितना जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये आपका कितना जाएगा माइनस का वन बाई जेड, माइनस का वन बाई जेड और ये आपका सी वन नीचे ही रहेगा है ना, जेड स्क्वायर का माइनस प्लस आपका सी टू है ना। और सॉल्व करो इसको, ये जो आपका टू है ये आपका टू है, ये गुजर गुणा कर दूं
इसको आप क्या सिर्फ 2/2 कर लो, चलो है ना, फिर कोफिशिएंट अगर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे 2 आराम से कट जाए, या आपका एक्स स्क्वायर आपका माइनस का 2/z और आपका c1 प्लस आपका सी टू, यहाँ तक कोई कर लो, अब वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है ना, और ये आपका जेड, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2/z और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस आपका सी टू, ये अपना आंसर है। एक आंसर ये हो गया अपना, दूसरा आंसर अपना ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आप आपका जो क्वेश्चन है वो आपका dx y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर बराबर आपका dy, ये आपका है z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा ना, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन dz वाली तरह वो आपकी क्या है, वो आपकी होगी वाई स्क्वायर प्लस वाई डी जेड की लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन वाई एक्स प्लस आपका एक्स स्क्वायर, ये वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है आपकी आइटम, ठीक है। इस टर्म को ध्यान से देखें, ये आपका सॉल्यूशन निकालते हैं, ये टर्म और ये टर्म देखें, इसमें जेड स्क्वायर है, इसमें भी जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें बाकी के पद नहीं है, बाकी के पद सेम नहीं है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सब में एक एक पद जो है वो ठीक है, बाकी नहीं है कुछ भी है ना। और देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका, यहाँ पर एक्स वाई जेड और यहाँ पर ओनली ओनली वाई जेड आपका, ठीक है। तो देखिए करें इसका सॉल्यूशन करें, तो ये हो जाएगा आप लिखो डी एक्स माइनस डी वाई, माइनस डी वाई तो यहां से देखो वाई स्क्वायर है ना प्लस आपका यहां से कितना आ जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर है ना, यही आएगा एक्स सॉरी जेड नहीं एक्स ओनली एक्स एक्स स्क्वायर, जेड तो कट ही जाएगा आपस में ना, जेड के लिए तो कर ही रहे, जेड जेड कट जाए इसीलिए तो कर रहे हैं, प्लस आपका यहां से आपका क्या कॉमन आएगा, ये वाई जेड है, इसमें से आपका जेड कॉमन आ जाएगा, ये आपका माइनस एक्स, ये हो गया है ना। सेकेंड टर्म देखिए, ये कर दूंगा मैं डी वाई माइनस डी जेड कर दूं, तो देखिए डी वाई माइनस डी जेड कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना है एक्स जेड है ना, तो आपका प्लस एक्स कॉमन आपका जेड माइनस वाई है ना। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा फिर डी जेड माइनस का डी एक्स, ये कर दूं तो देखें आपकी अब क्या कटेगी, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का आपका जेड स्क्वायर है ना, प्लस आपका अब क्या कॉमन आ जाएगी आपकी, आपकी वाई कॉमन आ जाएगी, आ जाएगा एक्स माइनस जेड, ये भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो नहीं है ना आपस। अब देखिए और सिंप्लीफाई करके लिखो इसको, इस वाले को, तो हो जाएगा आपका डी एक्स माइनस का डी वाई अपॉन y माइनस एक्स, इसमें भी हाँ और कॉमन ले लो इसमें से y माइनस एक्स, तो इसमें क्या आ जाएगा देखो y माइनस इसके सोल्यूशन का बोलो y माइनस एक्स y प्लस एक्स है ना, तो y माइनस एक्स कॉमन लिए यहाँ पर क्या बच गया y प्लस एक्स और प्लस बच गया आपका z, यहाँ तक हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार सब में यही बचेगा। यहाँ पे देखो आपकी z माइनस वाई आपका कॉमन आ गया, यहाँ पर वही जेड प्लस वाई और प्लस आपका एक्स है ना, क्या आपका डी जेड माइनस डी एक्स है वही आपका कॉमन निकला है एक्स माइनस जेड, तो आपका बच क्या गया एक्स प्लस जेड और आपका प्लस का वाई है ना, ये तक यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आप ये वाली टर्म और आपकी ये वाली टर्म है ना, दोनों की बात करूँगा मैं, तो मैं आपकी देखो ये तीनों में आ रहा है, तीनों में कॉमन, ये लोग काट लेते हैं,
ऐसे करेंगे तीनों पे कॉमन, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो हम जो नई टर्म है वो क्या होगी, डी एक्स माइनस का डी वाई, है ना, डी एक्स माइनस डी वाई, ये हो गया आपका वाई माइनस एक्स, ठीक है। आपका ये हो गया डी वाई माइनस का आपका डी जेड, है ना, ये होगा आपका जेड माइनस का वाई, है ना, ये होगा आपका डी जेड माइनस का डी एक्स, ये आपका एक्स माइनस का जेड। कोई भी दो टर्म लो, एक सॉल्यूशन निकालो। तो दो टर्म मैंने ये ले डी माइनस का डी वाई, और ये हो गया आपका कितना वाई माइनस का एक्स, ये हो गया आपका डी वाई माइनस का कितना डी जेड, और ये हो गया अपना कितना जेड माइनस का वाई। देखिए माइनस इसमें से कॉमन ले लूँ, माइनस इसमें से कॉमन ले लूँ, और दोनों क्या हो गए, ये लो डी एक्स डी, या हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई, लो इंटीग्रेट करो, माइनस कॉमन लिया भैया हम अपना दोनों में, वाई माइनस का जेड इंटीग्रेट कर दो, और यहाँ पर एक अपना कोफिशियंट सी वन, सी वन करो, सी वन लॉग सी वन करो उसको, प्लस आपका लॉग सी वन, लॉग सी वन ये कितना हो जाएगा, देखो लॉग ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस का वाई, है ना, वो होगा एक्स लॉग वाई माइनस जेड, उसको साइड लेंगे तो वो भी इसके कैसे हो जाएगा नीचे वाई माइनस का जेड, और ये आपका कितना हो जाएगा बराबर आपका लॉग और आपका सी वन, लॉग से लॉग कट जाएगा, यानी कि एक्स माइनस वाई और वाई माइनस का जेड बराबर अपना कितना जाएगा सी वन, अपना आ जाएगा सी वन। एक आंसर तो अपना किया जाएगा, दूसरे की क्वेश्चन पकड़ो ये वाली, है ना, सेकंड देखो, ये आपका जो है डी डी वाई माइनस का डी जेड, है ना, इसमें से भी माइनस कॉमन लेके लिख रहा हूँ तो जगह आपका वाई माइनस जेड, है ना, और इसमें से भी वाई, क्योंकि वाई आपस में काट दूंगा ना माइनस कॉमन लेके, ये आपका जेड है, ये आपका एक्स जेड माइनस एक्स, है ना, इसको आपस से इंटीग्रेट कर दो, ये लो, और आपका कोफिशिएंट मान लो लॉग सी टू, लॉग सी टू यहाँ तक, यहाँ पे देखें क्यों हो जाएगा आपका लॉग, है ना, ये हो जाएगा आपका आगे कितना लॉग जेड माइनस का एक्स प्लस आपका लॉग सी टू, ये साइड आएगा, है ना, बटे में आ जाएगा, फिर लॉग का फॉर्मूला लगा दो, माइनस का तो ये होता फॉर्मूला, हाँ, ये आपका लॉग और आपका सी टू, ये लो ये कट गया, तो अगर आपका वाई माइनस का जेड और आपका जेड माइनस एक्स बराबर आपका सी टू, तो एक सॉल्यूशन ये हो गया आपका, एक सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है, उतारा इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो मैं बताता हूँ क्या है आपका, वो आपका डी एक्स अपॉन आपका कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का आपका वाई स्क्वायर वाई और माइनस का आपका वाई जेड, है ना, ये आपका डी वाई है, ये आपका कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का जेड एक्स और माइनस का वाई स्क्वायर सेम, ये आपका डी जेड जेड एक्स माइनस का वाई, ये निकालो। देखें ये आपका और ये, है ना, इनसे आपको सॉल्यूशन जो है वो फाउंड करना है, सॉल्यूशन फाउंड होगा तो देखें ये आपका डी एक्स है, ये आपका डी वाई है, और ये आपका डी जेड है। अब यहाँ देखें एक्स वाई के टर्म पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, है ना, और ये आपका आगे चल के कंप्लीट जो है ये आपका ये वाला है ना, ठीक है। तो इसमें अपन और कुछ तो कर नहीं सकते, अपन क्या कर सकते, ये वन और माइनस वन गुणक लेने पर ना पहले दूसरे, और किसके लेने हो अपना डी एक्स और डी वाई के, हाँ तो ले लो आप, ये जगह आपका डी एक्स आपका माइनस का डी वाई, हाँ यहाँ से ले, ये आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये आपका माइनस का वाई वाई,
प्लस फिर आपका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस आपका जेड एक्स प्लस का आपका वाई स्क्वायर है ना। और ये आपको बराबर ये चलने दो है ना, ये यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया आपका, ठीक है। इसमें से कॉमन लेंगे अपन कुछ, तो क्या कॉमन आया, देखो ये वाई जेड नहीं, ये वाई स्क्वायर काटो ना, ये तो वाई जेड था आपका, वाई जेड था, वाई जेड इसमें से कॉमन क्या जाएगा आपका, ये आपका वाई जेड और ये आपका जेड एक्स, इसमें से जेड कॉमन आ जाएगा। अगर जेड कॉमन आएगा तो ये जेड एक्स माइनस का वाई है ना, एक्स माइनस का वाई और एक्स माइनस का वाई, ये जगह आपका डी जेड, ये जगह आपका जेड और एक्स माइनस वाई, इससे एक काट दो, कट गया ठीक है। अब ये वाला जो जेड है इससे एक काट दो, तो इसका सॉल्यूशन देखो तो कितना आ जाएगा, करेंट ये लो कर दो एंट्री है, डी जेड और ये आपका प्लस सी, इसको करेंगे एक्स माइनस का वाई और ये आपका कितना बराबर जेड प्लस सी वन, और इसको अच्छे से लिखूंगा तो एक्स माइनस वाई माइनस का जेड बराबर सी वन, एक तो आपका ये कोफिशियंट हो गया है ना, एक तो आपका ये कोफिशियंट हो गया। तो मैं दूसरे सेकेंड कोफिशियंट की बात करूँगा, मतलब तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसकी बात करूँगा, तो देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर कितना था वाई जेड और यहाँ पर कितना था आपका जेड एक्स, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है आपकी ये वाली और ये वाली, इसमें क्या नहीं है देखो, इसमें वाई नहीं है आपका, इसमें आपका वाई नहीं और इसमें आपका क्या नहीं है, इसमें आपका वाई नहीं है और इसमें आपका एक्स नहीं, तो कोफिशिएंट में क्या ले लूँ एक्स और क्या लूँ आगे वाई, एक्स और वाई कोफिशिएंट ले लिया मैंने, और वो भी कैसे कर दूं मैं माइनस एक्स और माइनस का, एक्स और माइनस का वाई गुणक लेने पर, हाँ ये लेता हूँ मैं, तो ये जगह आपका एक्स डी एक्स माइनस का वाई डी वाई, हाँ ये लो दोनों का सॉल्यूशन ठीक है, इसका गुणक लिया है तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का आपका एक्स वाई स्क्वायर है ना, और ये आपका माइनस का एक्स वाई जेड, आपका माइनस ये जगह आपका एक्स स्क्वायर वाई है ना, एक्स स्क्वायर वाई और आगे देखें एक्स स्क्वायर वाई और ये आपका माइनस आपका कितना आ जाएगा एक्स वाई जेड, माइनस का आपका एक्स वाई जेड और आगे कितना हो जाएगा आपका वाई, ये देखिए तो इसका तो कुछ बना ही नहीं है ना, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें देखो x या आपस में कटेंगे एक्स स्क्वायर आ गया या एक्स वाई वाली टर्म आ गई ना तो कटेंगे ये गुणक तो सही नहीं है। वापस देखें यहाँ पर कितना आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यह आपका कितना है जेड एक्स और यह आपका वाई जेड है ना, इसको ऐसी चीज से गुणा करें कि आपका ये भी एक्स स्क्वायर वाई हो जाए, ये भी आपका एक्स स्क्वायर वाई हो जाए है ना, और तो इसमें कुछ सिंपली मेथड तो लगेगा नहीं है ना, तो देखें ये आपका कितना है जेड एक्स वाई, एक तो ये हो सकता है और इसके बाद आपका इसमें आपको एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर आपको सी वन गिवन है, सी वन जो है आपको वो गिवन है, तो उससे भी कुछ हो नहीं सकता हम देखते हैं, देखें हम आपके वापस से गुणन लेंगे तो इसमें बोले और इसका जो है अपना सुनो ये लेते हैं पर यहाँ पे लेते हैं एक्स और माइनस वाई गुणक लेने का लेते हैं एक बार फिर से लेने पर ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से देखें आप ये हो जाएगा अपना डी एक्स माइनस का डी वाई फिर से लिखो ये हो जाएगा आपका कितना एक्स क्यूब है ना ये आपका आगे वाले की बात करूँगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई जेड आपका और यह आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और आगे कितना हो जाएगा आपका माइनस का माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा एक्स वाई जेड और फिर आपका माइनस है तो फिर प्लस आपका प्लस हो जाएगा कितना होगा वाई क्यूब एक्स क्यूब और वाई क्यूब हाँ आपका वाई क्यूब ठीक है और आगे आप बराबर में dz लिख लेते हैं ये लो dz तो कितना zx माइनस वाई dz क्योंकि ऐसे तो कट कट तो रहे नहीं
सारे पद आपस में कट तो रहे नहीं, तो फिर इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन किया जाएगा हम, और तो कुछ कर भी नहीं सकते अपन। ये लो डी वाई, अपन देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, और एक्स माइनस वाई बच गया। इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में देखो आपका क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर, और बस क्या रहा है कोई, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये आपका बचेगा एक्स माइनस का वाई। ये लो ये आपका डी जेड है, आपका डेल जेड और एक्स माइनस का वाई। ये लो यहाँ पर तो ठीक है ना, और लिखेंगे इसको डी एक्स माइनस का आपका डी वाई, आपका यहाँ से एक्स माइनस वाई तो कंप्लीट बाहर आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर आपका डी जेड आपका जेड एक्स माइनस का वाई। ये कट गया ठीक है। अभी देखो एक्स स्क्वायर या फिर एक्स डी एक्स का ना कोफिशियंट लिया वो तो लिखो साथ में, या आपका कोफिशियंट लिखे हैं तो लिख दो साथ में, दिए थे ना अपन एक्स वाई ठीक है, यहाँ से तो ठीक है। अब देखें इसका जब अपन सॉल्यूशन करेंगे है ना, यहाँ यहाँ करूँगा अपन यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अपन क्या मान लूंगा मैं टी, देखो आप यहाँ से देखना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं मान लूंगा टी, तो आपका कितना हो जाएगा टू एक्स डी एक्स माइनस का टू वाई डी वाई बराबर आपका डी टी, यानी एक्स डी एक्स माइनस का टू वाई डी वाई बराबर डी टी वाई टू, तो उसका समाधान क्या हो जाएगा, ये देखो ये तो आपका पूरा डी टी हो जाएगा और ये आपका टी हो जाएगा, यानी कि लॉग टी ना लॉग टी इसका समाधान हो जाएगा वन बाई टू, देखो आपका डी टी बाई टू आएगा ना, और टी का मान कितना था अब देखो टी का मान कितना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सीधा किया मैंने बिल्कुल, लेकिन आपका समझ गए ना वन बाई टू कहाँ से है इसीलिए बताया था बस, ये आपको ये वाला बाकी सीधा ही कर देता मैं तो ना, ये आपका डी जेड या आपका जगह लॉग जेड आपका प्लस आपका सी टू है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। सुनो पूरी इक्वेशन को टू से गुणा कर दो, ये लो दो से इसको भी कर दिया इसको भी कर दिया इसको भी कर दिया, हाँ कोई फर्क पड़ा नहीं, देखें आगे देखें, और इस कोफिशिएंट को अपन सी टू बाई टू मान लेते हैं पहले से सी टू बाई टू, ये कोफिशिएंट कुछ भी मान सकते हैं एडजस्ट करना होता है समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखो टू से टू बढ़ जाएगा फिर है ना, और ये आपका ये पावर में चला जाएगा लोग लगाओ यहाँ पे, ये आपका पावर में चला जाएगा कितना हो जाएगा लोग आपका जेड स्क्वायर, और ये आपका प्लस वापस से सी टू हो जाएगा टू से टू फिर कट जाएगा है ना, ये बस किसके लिए क्या है ये इतना गुणा हुआ किसके लिए गया, सिर्फ ये इसको पावर में चढ़ा दें और फिर इक्वल टर्म आ जाए ना वाई स्क्वायर, और ये साइड लाएंगे तो कितना जाएगा आपका जेड स्क्वायर, ये आपका जेड स्क्वायर और ये आपका लोग में है ना, ये आपका हो जाएगा सी टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या करो कि इसको जो कोफिशियंट है इसको ही लोग में मान लो है ना, एक आंसर आपका ये हो गया, ये क्या हो सकता है आप इसको लोग में मान लो तो दोनों तरफ से आपका लोग बढ़ जाएगा है ना, हम यही मान लेते हैं वो आप जो आपको अच्छा लगे वो कर लें, आंसर दोनों ही सही है, आपका लोग सी टू ही मान लो इसको ये लोग से लोग पड़ेगा, फिर आपका जो आंसर है वो यहाँ लिख देता हूँ, जो आपका सेकेंड आंसर हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर डॉट सी टू है ना, एक आंसर ये हो गया आपका, एक मैंने पीछे बार लिखा था है ना, ये आपका आंसर हो गया ठीक है। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये जो अभी करा है सेम वही क्वेश्चन 17 का है ठीक है, तो 17 का आप कर लेना, 18 का देखें आप, 18 का क्वेश्चन क्या आपका dx है, dx अपॉन कितना है x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर बराबर आपका dy है, ये आपका 2xy है ठीक है, और ये आपका कितना है
टू है आपका जेड, आपका टू है भैया, टू एक्स वाई और आपका जेड वाई, आपका कितना जेड एक्स प्लस आपका क्या है वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। एक चौक ले लेता हूँ, ठीक ये क्वेश्चन देखें आप, अब क्वेश्चन देखें अपना एक्स स्क्वायर है प्लस आपका वाई स्क्वायर है, टू एक्स वाई और आपका कितना है जेड एक्स प्लस वाई, है ना, ये आपका क्वेश्चन अपने को गिवन है। तो देखें यहां से एक चीज देखें आप कि ये वाला जो मैं क्या कर लूं वन और वन गुणक लेने का, जब वन वन गुणक ले रहा हूं इसका मतलब क्या है कि डी एक्स और डी वाई के, है ना, और जोड़ लेते हैं काम देते हैं क्या जाएगा आपका डी एक्स प्लस आपका डी वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टू एक्स वाई, तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका टू एक्स वाई बराबर में डी जेड चल, यहाँ पर जेड यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डी एक्स प्लस डी वाई, ये आपका कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर डी जेड और जेड एक्स प्लस वाई, ये आपका ये कट गया, इसको इसका हो जाएगा कितना लॉग इंटीग्रेट करो लॉग, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये आपका लॉग जेड प्लस आपका लॉग सी वन, तो ये जगह आपका एक्स प्लस वाई अपॉन जेड बराबर सी वन, एक तो आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना। देखो इजी था, सेकंड आंसर देखिए, अगर सेकंड आंसर की बात करूँ हमें तो देखिए यहाँ से सेकंड आंसर की बात करूँगा तो यहाँ से किसी को गुणा करूँगा और यहाँ से भी किसी और को कोफिशिएंट लूँ और फिर इसमें मैं वो वेरी करूँगा तो वो जो चीज है वो आनी चाहिए और आपस में कैंसिल आउट भी होना चाहिए ना। देखो इसमें मैं क्या करा था एक्स कोफिशिएंट ले लूँ इसका और इसका वाई ले लूँ, है ना, इसका एक्स कोफिशिएंट ले लिया तो यहाँ से इतना और इसका मैंने y कोफिशिएंट ले लिया तो या तो आपका 2y स्क्वायर, हाँ ये आपका x कोफिशिएंट ये आपका y स्क्वायर, तो देखें क्या संभव हो पा रहा है, चलो देखते हैं, है ना। ये मैंने क्या लिया पहले x कोफिशिएंट और एक आपका माइनस गुणक लेने पर, है ना, x और y गुणक लेने पर, तो देखें पहला पद आपका क्या हो जाएगा x डी एक्स माइनस का y डी वाई, तो ये तो हो जाएगा आपका कितना x लिया तो ये x क्यूब प्लस आपका एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे तो ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 2x y स्क्वायर, हाँ ये आपका बराबर आपका dz चले dz और ये आपका कितना हो जाएगा जेड एक्स प्लस वाई, चलो यहाँ पे ठीक है। अब देखें इसमें से आप देखें x आपका dx माइनस का y dy अपॉन ये देखो सेम टर्म हो गई तो इसमें से क्या आ जाएगा माइनस, हाँ और आपका एक्स वाई स्क्वायर ये हो जाएगा बराबर dz और z और x प्लस y, यहाँ से आप देखें x dx y dy इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा x, x तो इसमें से कॉमन आ जाएगा बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसको खोल दो ये तो हो जाएगा ये लो, हाँ हो जाएगा अभी आराम से, इन क्वेश्चन में बस ये देखना होता है, ऐसा नहीं है कभी मैं भी गलत कर सकता हूँ, क्यों क्योंकि कोफिशिएंट लेंगे फिर उसको देखेंगे कि जीरो हो रहा है या कैंसिल हो रहा है तभी कुछ बन पाता है उसका, है ना, ऐसे क्वेश्चन का नहीं बन पाता कुछ, तो लेकिन ये वाला ठीक है। अब देखें अगर इसको एक्स कॉमन लिया हमने और एक्स माइनस वाई आपका जो है ये बच गया और आगे क्या बचता आपका डी जेड, है ना, ये आपका डी जेड या आपका जेड ही था, हाँ ये आपका एक्स माइनस वाई और आपका एक्स माइनस वाई काट गया, है ना, और इसमें से आपका क्या कॉमन आ गया एक्स कॉमन आ गया, ठीक है, तो लुक करते हैं एक्स भी कॉमन आ गया तो जगह आपका एक्स डी एक्स आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का आपका वाई डी वाई अपॉन ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स माइनस का वाई एक्स एक्स माइनस का वाई आपका एक्स इनवर्स, है ना,
और यहाँ से देखें आप जब आपस की बात करोगे तो आपका डी जेड वाई जेड आ गया। अब इसका वापस से देख इसका समाग्र क्या संभव है इसका, है ना, देखना पड़ेगा कि करते देखें, हाँ तो आपका x dx सेपरेट करके देखिए ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का आपका x y माइनस का आपका x y, हाँ तो इसका देखो इसका सीधा तो हो ही नहीं सकता, हाँ सीधा तो जो है इसका संभव ही नहीं है। आप x y दोनों के टर्म में नीचे लेते y dy ये आपका कितना x और x माइनस का y, यहाँ तक भी ठीक है आपका कितना लो एक्स माइनस का हो गया ये आपका माइनस, है ना, देखिए आपका वाई है पहले, है ना, और इसका सीधा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता तो अपन क्या करेंगे देखो वाई है इसमें से अपन एक्स घटा देंगे और एक्स जोड़ देंगे, है ना, एक्स घटा देंगे और एक्स जोड़ देंगे। ये देखो एक्स मैंने क्या कर दिया, एक्स पहले तो जोड़ दिया, ये एक्स मैंने घटा दिया, ये एक्स मैंने जोड़ दिया, आपका वाई और डी वाई, है ना, ये डी वाई सबके साथ है और ये आपका एक्स और एक्स माइनस वाई, सीधा कर नहीं सकते भैया उसका, सीधा क्यों नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये जो y की सिम टर्म है वो सेम से नहीं कर सकते। अब देखें लो ये आपका x माइनस वाई, है ना, माइनस, अब देखें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन ले प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस का y, और नीचे भी आपका कितना x और x माइनस का y, है ना, सेकेंड टर्म में क्या लिख सकता हूँ प्लस आपका x, है ना, अब मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ इसमें से तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो मैं लिख दिया और ये आपका माइनस ही रहेगा, हाँ ये आपका माइनस, ये आपका एक्स और एक्स माइनस का वाई, ये आपका डी वाई, हाँ और ये भी आपका भी डी वाई, एक्स माइनस वाई और ये आपका डी वाई, और आपका आगे आ जाएगा लॉग जेड प्लस सी टू, हाँ अब देखिए एक्स से तक गया इससे ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, हाँ और आगे शानदार सोल्यूशन ए मिटा देता हूँ तो लेंगे यहीं से। अब देखें ये तो अगर आपका कितना लॉग एक्स माइनस वाई, ये आपका कितना हो जाएगा वन बाई एक्स कॉन्स्टेंट, है ना, और ये आपका वाई, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, अगर माइनस की बात करूँगा फिर मैं लगा वही लॉग, है ना, लॉग और डी वाई है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो वो माइनस वाई जो है वो नेगेटिव, ये आपका एक्स माइनस का वाई, है ना, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस का y और आपका आगे कितना आ जाएगा आपका log z प्लस सिक टू, log log की तरह नेक्स्ट साइड लिख लो तो log 2 हो जाएंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस वाई का, देखो x माइनस वाई का स्क्वायर, हाँ 2 हो जाएंगे और ये साइड आगे z हो जाएगा, हाँ और आपका प्लस y अपॉन x ये आपकी log की टर्म हो जाएगी भैया log की, ठीक है, और ये आपका सिक टू, एक तो आपका ये सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन है ये भी आपका एक सॉल्यूशन, ऐसा मत समझे ये सॉल्यूशन नहीं है आपका, ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है, और रुको इसमें ये तो हो गया हार्ड, देखो समाकलन कितना हार्ड हो गया ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक ईजी एक इसका ही ईजी वन, है ना, ईजी देखें अब ईजी क्या है, ईजी ये कि अपन ये जो गुणांक लेते हैं गुणांक लेके यहाँ तक पहुँचते हैं अपन, देखो इसी में से यहाँ तक पहुँच जाते इस लाइन तक पहुँच जाते हो, है ना, ये अपना x और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस y यहाँ तक पहुँच जाते, तो आप ये dz मत लो इसके बराबर ले लो अपना dy, ये आपका इजी, ये आपका इजी, इजी क्या है इससे कट जाएगा, कट गया प्रॉब्लम ही खत्म, है ना, अब इसको सोल्व करें तो ये इसको सोल्व करेंगे टू टू भी साइड लें तो आपका टू एक्स डी एक्स और ये आपका टू वाई डी वाई, है ना, और ये आपका एक्स स्क्वायर का माइनस का वाई स्क्वायर इसका समाकलन और ये आपका कितना होगा डी वाई, है ना, अपॉन वाई इसका समाकलन आपका सिक्स टू, इसको करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा लॉग
ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है ना, और ये आपका हो जाएगा लोग वाई प्लस आपका सी टू, ये आपका। और अगर आप इसमें को भी लोग में ले लो, लोग सी टू में ले लो, ये लोग सी टू ले लो तो लोग से लोग काट दो, ये लोग सबका आपका यहाँ पर है dx अपॉन कितना आपका y स्क्वायर प्लस आपका y z प्लस आपका z स्क्वायर, यहाँ पर आपका कितना है dx और वो कितना आपका 2xy बराबर आपका dz कितना है आपका dz और ये आपका कितना है 2 और कितना है z और ये आपका कितना है x 2z x आपका क्वेश्चन है। अब देखो एक ये है आपका और एक ये, सबसे पहले तो देखो ये वाले टर्म कैसे सेपरेट टर्म तीन से करते हैं, देखिए dx आपका लिख लें 2xy, ठीक है ये dy है dy सॉरी गलती से लिखा गया है dy, तो ये आपका dz 2zx ये लो x x 2z 2 ये y और इसका करेंगे तो इंटीग्रेट भी कर दो साथ साथ, ये हो जाएगा आपका log y बराबर आपका log z प्लस आपका log c1 के रूप में, तो ये हो जाएगा y बराबर c1 z, ये आपका क्या हो जाएगा एक सॉल्यूशन हो जाएगा y बराबर c1 z आपका जो है एक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक सॉल्यूशन तो हो गया आपका, दूसरे की बात करूँ, दूसरे की बात करूँ तो दूसरे की बात देखिए कहाँ से करूँगा दूसरे की बात, गौर से देखें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन है ना, क्या इसमें कुछ लू में कॉमन तो कुछ हो सकता है देखते हैं। इसका कोफिशिएंट मैं कितना ले लूं, वाई अपॉन टू एक्स और ये वाला, ठीक है यहां से जानते हैं देखो सेकंड सॉल्यूशन dx अपना और y स्क्वायर प्लस yz और प्लस आपका z स्क्वायर है ना, तो इसमें से क्या एक तो ये हो जाएगा आपका लिखता हूं मैं आपका एक ये वाला लेंगे और दूसरा जो है आपका एक टर्म ये ले लो और दूसरे टर्म अपनी x की आ रही है इसमें चलो ये ले लेते हैं ना, तो ये आपका dx अपॉन आपका y स्क्वायर प्लस आपका y z और प्लस आपका z स्क्वायर दूसरे टर्म में ये टू जेड एक्स में यहाँ तक दीजिए है ना, तो जहां पर भी आपको y दी जाए उसके जगह सी वन जेड रिप्लेस कर दो, तो रिप्लेस करो आपका dx ये कितना हो जाएगा सी वन का स्क्वायर z z स्क्वायर प्लस ये आपका c1 और z स्क्वायर प्लस आपका z स्क्वायर ये है ना, ये आपका dz ये आपका 2z और x, यहाँ से देखें हम अगर यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या कॉमन आएगा z स्क्वायर कॉमन, पहले पद जो आपका कॉन्स्टेंट दूसरा पद भी कॉन्स्टेंट ये पेवर ही कॉन्स्टेंट आ गया है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉन्स्टेंट का तो इजीली हो गया तो जड़ से जड़ है ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। x को इस साइड बना करते तो जगह अपना एक्स डी एक्स एक्स डी एक्स हाँ, और ये आपकी ये वाली टर्म भी यही रहने दो क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता किधर भी ले जाओ, या आपका इंटीग्रेट है ना, और जेड को उस साइड ले जाए या आपका जेड डी सेट बाई आपका कितना टू प्लस आपका इसके हिसाब से देखें या आपका सी टू वाई कितना लो सी टू वाई टू ले लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत
सॉल्व करें इसको, अगर इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो देखें ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू है ना, ये आपका सिर्फ टू बाई फोर करोगे है ना, ये हो जाएगा आपका कितना एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि टू तो सब में आएगा है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा आपका सी वन का स्क्वायर प्लस आपका सी वन प्लस आपका वन है ना, ये हो जाएगा आपका कितना जेड स्क्वायर बाई फोर, टू पहले से ही है फोर, और ये हो जाएगा आपका सी वन बाई फोर, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा फोर, तो जगह आपका टू एक्स स्क्वायर है ना, और टू एक्स स्क्वायर आपका, और आपका यहाँ से हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस आपका सिक टू है ना सिक टू, और यहाँ पर आपका ये वाला ब्रैकेट इस साइड में आ जाएगा सी वन का स्क्वायर प्लस सी वन प्लस वन है ना, इसको सॉल्व कर दें पूरे को, वैल्यूज रख के सॉल्व कर लें ना, से क्या वैल्यू थी आपकी, जो आपका वाई थी इसकी वैल्यू क्या थी, सी वन जेड थी आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो जेड स्क्वायर प्लस सी टू, यहाँ तक तो ठीक है, इसकी वैल्यू रखें सी वन स्क्वायर क्या था आपका सी वन का स्क्वायर, सी वन का स्क्वायर का मतलब है आपका कितना हो गया वाई अपॉन जेड, ये आपका वाई अपॉन जेड का ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, आगे की बात करूंगा आपका कितना है सी वन, सी वन का मतलब वाई अपॉन जेड और प्लस आपका वन है ना, इसमें देखो जेड स्क्वायर एलसीएम आ गया टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस आपका सिक टू है ना सिक टू, और यहाँ से अगर लूँ तो कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई और प्लस आपका जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर है ना, इसको अलग अलग गुणा करके लिख दूँ तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बराबर, देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा यानी ये तो आपकी सिंगल टर्म आ जाएगी है ना, और फिर प्लस आपकी सिक टू और ये आपकी ऐसे जैसे और ये आपका जेड स्क्वायर नीचे, तो ये आपका एक और सॉल्यूशन आ जाएगा, ये सॉल्यूशन आ जाएगा, अरे ये सॉल्यूशन आपका पहले आ गया तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। देखिए जब का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है ना बराबर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर और डी जेड बराबर आपका है एन एक्स वाई है ना, तो देखिए पहले ये दोनों ले लें है ना, क्योंकि ये फ्री टर्म्स है ना स्वतंत्र पद है आपकी, ठीक है ये आपका सी वन, ठीक है यहां से करेंगे तो माइनस का वन बाई एक्स, इसका करेंगे तो माइनस का वन बाई वाई और प्लस आपका सी वन, यहां से देखो ये वाला अगर और सॉल्व कर लो इसको तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस का वाई बराबर सी अपॉन एक्स वाई है ना, एक्स वाई लेस आ गया और ये आपका सी वन हो गया है ना, ये टर्म्स आ गए, तो एक तो आपका ये सॉल्यूशन आ गया है ना, सेकंड सॉल्यूशन की बात करूंगा तो देखो मैं कोफिशिएंट लूंगा वन बाई एक्स, ध्यान से देखना वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई गुणांक लेने पर, ठीक है ले लिए तो इससे क्या आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स माइनस का डी वाई बाई वाई है ना, नीचे देखो अगर तो यहाँ भी वन बाई एक्स से गुणा होगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस का वाई, ठीक है आपका आगे कितना है डी जेड और आपका एन एक्स वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, देखें एक्स माइनस वाई का मान कितना है सी वन एक्स वाई, कितना है सी वन एक्स वाई, तो रख दें सी वन एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका डी जेड और आपका एन एक्स वाई, ये लो एक्स वाई से एक्स वाई कट गए है ना, तो इसका समाधान तो जाएगा वन बाई सी वन, कितना आ जाएगा लोग आपका कितना एक्स माइनस का लोग आपका वाई है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका जेड बाई एन प्लस आपका सी टू, ठीक है इसको इस साइड गुणा कर दे है ना, तो ये इसको इस साइड गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लोग कितना x बाई वाई है ना, और ये किस साथ कितना हो जाएगा z बाई एन और c1 और c1 प्लस c2 उसको एक नया कोफिशिएंट मान लो c3, ठीक है इसका c1 का मान वापस से पुट कर दूंगा तो ये जगह x y है ना,
ये आपका जेड एक्स वाई बाई आपका एन। देखो क्या है, ये आपका एक्स वाई तो यहाँ आएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। सी वन का मान रखा भी है, ठीक है, सी वन का मान रखा है, ध्यान दे रहे हो, ये बीच में माइनस है, ठीक है, एक्स माइनस वाई, ये सी वन का मान रख दिए, प्लस आपका सी टू, आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, और जो करूंगा ये मानो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है और कराऊंगा भी बहुत आराम से। dx आपका यहाँ पर है cos x plus y, बराबर आपका dy है, यहाँ पर आपका कितना है sin, आपका है sin x plus y है ना, और बराबर आपका dz, dz by z, देखिए ये आपकी cos के टर्म और ये आपके sin के टर्म है ना। तो सबसे पहले अपन देखो ये कर दें dx प्लस आपका dy कर दें, है ना, तो देखिए dx प्लस dy दो टर्म दे रहा हूं ना, और दूसरा मैं यहां पे करूंगा dx माइनस का dy, है ना, फायदा क्या होगा, ये सब करने का फायदा क्या होगा बताऊंगा आपको। देखना यहां कुछ भी आएगा उसमें आप dx माइनस y करेंगे उसमें नेगेटिव साइन आएगा, और ये वाला टर्म जो वो इसका अवकलन होगा, आप ध्यान देंगे साइन और कोस में टर्म है ना, तो ये कितना हो जाएगा अपना, यहां से करें ये जगह अपना कोस एक्स प्लस वाई ना, ये जगह प्लस आपका साइन और एक्स प्लस वाई, और ये आपका कोस एक्स प्लस वाई, ये आपका साइन एक्स प्लस वाई, यहां तक तो ठीक है ना। देखें ये वाला है ना, इसका आगे करूं तो ये ऊपर चला जाए इस साइड, ये आपका इस साइड कर सकता हूं इसको, है ना, ये आपका dx प्लस आपका dy और अपॉन कितना आ जाएगा, ये आपका cos, ये आपका x प्लस y, ये आपका प्लस आपका sin और x प्लस y, यहां तक ठीक है ना, ये आपका ये वाला, और इसका भी आपको समाकलन करना है, और ये आपको इसका dx माइनस का dy इसका भी समाकलन करना, प्लस आपका एक कोएफिशिएंट c1। अब यहां से देखें क्या इसको मैं t मान लूं, तो ऊपर वाले टर्म एग्जिट आएगी क्योंकि यहां से करेंगे माइनस का साइन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, और जो चूंकि टर्म दोनों है अपनी तो दोनों क्या देगा, इसका सिंगल करूंगा तो dx प्लस dy हां वो सेम आ जाएगा, तो ये कैसे टर्म हो जाएगी, अब जाके log आपका log cos x plus y plus आपका sin x plus y, और ये कितना हो जाएगा x minus का y plus आपका c1। देखिए ये log वाले टर्म उस साइड बचे, log उस साइड जाए तो आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें बस इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें ये क्वेश्चन और किसी मेथड से नहीं होगा ना, एक बार इसको ध्यान से देखें बस, और e e की पावर x माइनस का y प्लस आपका c1, है ना, प्लस c1 करो या फिर आप क्या करो इसको log ले लो, आप इसका भी log ले लो, है ना, तो इसका log लेंगे तो log ये जाएगा e बेस तो ये कट जाएगा आपका, हाँ आपका कट जाएगा log c1, तो ये आपका गुणा में जाएगा। अब देखिए आगे वाले टर्म्स देखिए, तो e की पावर x c और c1, ठीक है, यहां तक। अब इसको मैं क्या करूं, ये वाले हटा रहा हूं, डालना कुछ करके पहले इसको, ये एक सॉल्यूशन आ गया, एक सॉल्यूशन क्या हो गया, ये वाला प्लस आपका ये वाला, या अब देखिए e की पावर x माइनस वाई है, ये इस साइड आएगी तो किस में आएगी, अपॉन में आएगी, और ऊपर ले जाऊंगा तो e की पावर कितनी हो जाएगी, वाई माइनस एक्स, यहां तक तो सबके समझ में आ गया, तो ये तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन होगा ना, ये समझना। अब देखिए सेकंड की बात करूंगा, सेकंड सॉल्यूशन की मैं जो है वो बात करूंगा, अगर मैं सेकंड सॉल्यूशन की बात करूंगा तो देखो क्या करूंगा मैं, अपने पास यहां पर dx है, ये dy है और वो dz है, मैं जोड़ दूंगा किसको,
dx प्लस डी वाई को, ये लो dx प्लस डी वाई को मैंने जोड़ दिया वापस से। अगर मैंने जोड़ा तो क्या आ जाएगा, cos x प्लस वाई, और यहाँ आपका आगे कितना प्लस आपका sin x प्लस वाई, और यहाँ आपका dz ले लेता हूँ। हाँ ये लो, आप देखिए इसको मैंने रूट टू से गुणा कर दिया, इस वाले को मैंने रूट टू से गुणा कर दिया, तो रूट टू को मेरे को यहाँ से भी करना पड़ेगा, है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है, रूट टू से गुणा कर दिया। तो देखिए मैं इनको ऐसे लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है ना, नहीं ना, इस रूट टू को मैं इस साइड भेज दूँ, गुणा में आ जाएगा, और इस रूट टू भी वैल्यू रख दूँ क्योंकि ये सबके साथ है, तो डी एक्स प्लस डी वाई, क्या ये ऐसा हो जाएगा, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, कोस फाइव बाई फोर, है ना। तो ये आपका पहले मैं रखूँगा साइन पाई बाई फोर, वो भी वही होता है, और कोस एक्स प्लस वाई, आगे वाले में आपका क्या लिख दूंगा मैं, आपके कोस पाई बाई फोर, वो भी वही होता है, रूट वन बाई रूट टू, ये हाँ, और ये वाला जो रूट था, ये वाला रूट टू, इसको भेज दिया उस साइड, तो ये आ जाएगा रूट टू डी जेड बाई जेड, ये इंटीरियर, इसका इंटीरियर, और प्लस आपका कोफिशियंट मान लो लॉग सी टू। अब देखिए इसको अगर और सोल्व करूं, ये तो देखिए ये किसकी इक्वेशन होगी, साइन की, और इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, साइन आपका पावर एक्स प्लस वाई प्लस आपका पाई बाई फोर, या पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका, है ना, साइन एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई फोर, है ना, ये वाला, और ये हो गया आपका रूट टू डी जेड बाई जेड, और प्लस आपका लॉग सी टू। यहां से देखें क्वेश्चन और आगे देखें, आपका ये वाला है, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर जाके आपका हो जाएगा कॉस ए, कितना हो जाएगा कॉस ए, और कॉस ए का समाकलन क्या होता है, कॉस ए एक्स का समाकलन होता है लॉग कॉस ए एक्स माइनस कॉट एक्स, यही होता है, तो कॉस ए एक्स यानी कि कॉस ए एक्स कितना है आपका एक्स प्लस वाई प्लस आपका पाई बाई फोर, और माइनस का कोट एक्स आपका कोट, और कितना है एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई फोर। देखो समाकलन किया बस और कुछ नहीं है, आपका समाकलन खत्म यहाँ से बराबर, ये कितना आपका रूट टू, ये आपका लॉग जेड, और ये आपका प्लस आपका कितना है लॉग सी, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये वाले तो मैं सब मिटा देता हूँ, सॉल्यूशन यहीं करेंगे अच्छे से। ये देखिए यहां तक ठीक है, अब देखिए लो आपका, और कोसेक एक्स को क्या लिख सकता हूं, मतलब कौन साइन, लो साइन आपका कितना एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई फोर, है ना, यहाँ पे ये आपका हो सकता है कोस एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई फोर, है ना, ये आपका हो सकता है क्या साइन एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई फोर, हाँ ये आपका बंद, है ना, पहले इसी को सोल्व कर रहा हूँ, ये टर्म में जो आपकी एज इट इज चल रही है आगे होगी, है ना, इसको ही सोल्व कर लेता हूँ, देखो एज इट इज चल रही है उसको समझ रहे हो ना, वो ऐसे लिखना ही आपका, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से लिया साइन एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई फोर, और ये कितना जगह वन माइनस कोस एक्स प्लस वाई प्लस आपका पाई बाई फोर, आपका पाई बाई फोर, और सॉल्यूशन देखिए अगर इसको और सॉल्व करो तो आप वन की वैल्यू रख दो, वन की वैल्यू देखो क्या रख रहा बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये आपका वन माइनस कोस स्क्वायर है तो एक कोस टू एक्स मान ले इसको, अगर इसको कोस टू एक्स मानेंगे तो जगह टू कोस स्क्वायर माइनस वन, है ना, टू कोस स्क्वायर माइनस का वन, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर, ये होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर, वन से वन कट जाएगा तो जगह टू साइन स्क्वायर, है ना, ये आपका, और ये हो जाएगा अपना कितना एक्स प्लस वाई प्लस पाई बाई फोर का आपका टू हो जाएगा, हाँ, ये साइन टू एक्स है और ये साइन एक्स, ओके ये लो, और ये एज इट इज ऐसे कैसे आपका ये नीचे वाला सूत्र है, ये साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगा दो इसमें, हाँ,
देखो सेम, अगर आपको नहीं भी लिखा हो तो आप समझ जाना sin 2x का फॉर्मूला लगा है। तो ये आपका ये देखो, 2 से 2 और साइन वाले से साइन, एक साइन कट गया है ना। तो इसका फॉर्मूला यहां वापस से लिखूंगा, ये कितना हो गया log, कितना log और साइन अपॉन कॉस कितना हो गया टेन, हो गया आपका टेन। और टेन में कितना आ गया आपका एक्स प्लस वाई प्लस आपका पाई बाई 4/2, ये आ गया आपका टेन। और आगे क्या चल रहा है आपका रूट टू, तो ये हो जाएगा आपका log z और ये आपका रूट टू और आपका ये हो जाएगा सी टू है ना, सी टू log। अब देखो log से log काट दिया मैंने, log से log काट दिया मैंने, ठीक है यहाँ तक ठीक है। तो आपका देखिए टेन, आपका आंसर क्या गया टेन x प्लस वाई और प्लस आपका 5/4/2 बराबर z की पावर रूट टू प्लस सी टू, आपका ये वाला जो है वो आपका सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है उतारा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना, ये आपका क्वेश्चन है, लिख देता हूँ आपका सेम ही है, ऐसा क्वेश्चन आपको करा दिया, फिर भी आप अगर नहीं हो रहा है तो मैं करा देता हूँ, क्योंकि ये तो मैं सारे कराऊंगा ही, आता है इनमें से इसलिए ही करा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। और ये आपसे होंगे नहीं, क्योंकि मैं सब में कोई ना कोई ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है सब, ठीक यहाँ से देखिए अपना y प्लस जेड है, ये z प्लस x है और x प्लस y, हाँ ये वाला टर्म। तो देखें ये आपका x प्लस y है ना, और ये आपका y प्लस z है, कोई भी साइन आपका जो है नेगेटिव नहीं है, है ना, नेगेटिव आपका कोई भी साइन नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से देखें मैं अगर dx माइनस dy वाई करूँ, यहाँ से देखें अगर मैं इसका dx माइनस dy वाई करूँ तो यहाँ से z z कट जाए, ये y माइनस x आ जाए, है ना सेम आ गई ना, ये भी dx dy और ये भी y है। देखो ये भी x की टर्म, यहाँ पर भी x, ये y की, ये वहाँ पर भी y, बस एक चीज का फर्क है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका dy माइनस z dz करूँगा तो आपका यहाँ से कितना कट जाएगा x, ये आ जाएगा आपका z माइनस y। और अब मैं क्या करूँ dz माइनस dx करूँ आपका, तो यहाँ से y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस का z, तो यहाँ पर है ना। अब देख लो आप दो दो इक्वेशन ले लो, पहली ले लो ये वाली है ना, इसमें देखो माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, माइनस दोनों में कॉमन आ गया तो दोनों का कट जाएगा ना, ये लो ये माइनस यहाँ तो कॉमन, यहाँ पर डी वाई माइनस का अब डी जेड और ये होगा वाई माइनस का जेड, आपका ये माइनस कॉमन, इस माइनस से माइनस कॉमन कर गया, ये आपका इंटीग्रल, इंटीग्रल फिर ये आपका लॉग ले लो, लॉग सी वन इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा लॉग एक्स माइनस का वाई, ये कितना आ जाएगा लॉग y माइनस का जेड और ये आपका प्लस log c1, हाँ यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से देखें इसको क्या लिख सकता हूँ, log x माइनस y यहाँ पर y माइनस का z बराबर आपका log c1, ये लो ये x माइनस y y माइनस z बराबर c1, देख तो आपका ये सॉल्यूशन होगा है ना। सेकेंड जब सॉल्यूशन की बात करूँगा तो ये कोई भी दो इक्वेशन ले लो, चलो मैं ये ले लेता हूँ है ना, माइनस वाई कॉमन वाई माइनस का जेड और ये आपका डी जेड माइनस का डी एक्स, इसमें भी माइनस कॉमन ये आपका जेड माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये लो वही करो इंटीग्रल और ये आपका लॉग सी टू एक्स मार्गलन कोफिशियंट, इसको करूँगा तो हो जाएगा लॉग वाई माइनस का जेड और इसको करूँगा तो आपका जाएगा लॉग जेड माइनस का एक्स है ना, और इसको करूँगा तो आपका लॉग सी टू और इसको वापस से सॉल्व करूँगा तो ये जाएगा आपका लॉग y माइनस का z अपॉन z माइनस का x बराबर आपका log c2, log से आपका log कट गया तो जाएगा y माइनस का z और z माइनस का x बराबर आपका c2, तो आपके दोनों आंसर आ गए, ठीक है ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन था। अब आप लास्ट क्वेश्चन और देखें आपको, है ना,
है ना। ये देखें, ये क्वेश्चन आपका dx 1 प्लस 5, पहले तो dx 1 प्लस y 1 प्लस x, और ये आपका है dz, यहां पर ये आपका z है ना। इसको सॉल्व, अगर इसको सॉल्व करें तो पहले दो दो टर्म ये वाली ले लो है ना, ये वाली ले ली, ठीक है। अब करो सॉल्व, अगर इनको सॉल्व करते हैं, देखिए अगर इनको अपन सॉल्व करते हैं तो ये इंटीग्रल इंटीग्रल प्लस आपका कोफिशिएंट जो है वो सी वन, ओनली सी वन, लेकिन लॉग नहीं लेंगे। तो चेंज करो, एक्स और वाई की टर्म घुमाओ आपस में, पहले एक बार घुमा लेते हैं। देखो ये एक्स किस साइड है और वाई किस साइड, तो करो एक साइड करो इनको, ये आपका डी एक्स इंटीग्रल बराबर ये आपका वन प्लस वाई, ये आपका डी वाई, और ये आपका इंटीग्रल प्लस आपका सी वन, यहाँ तक ठीक है ना। अब इसका करें तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू ना, दिख रहा ना को, और प्लस आपका सी वन यहाँ से। अब ठीक है, अब एक तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया है ना, इसको आप कैसे भी लिख लो जैसे जो मर्जी करें। देखो एक्स माइनस वाई आपका ये हो गया, प्लस ये आपका वन बाई टू आ गया, और यहाँ पर आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर आपका सी वन है ना। इसमें से भी आपका क्या एक्स माइनस वाई कॉमन आ सकता है, और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है आपका, ऐसा आपका वन कॉमन आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका एक्स प्लस वाई का टू, आपका एक्स प्लस वाई का टू कॉमन आएगा, या आपका बराबर सी वन, या आप सी वन बाई टू कर लो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो टू करने का रीजन भी बता दूंगा आपको ना, यहाँ तक और आगे चले इस क्वेश्चन में, अगर और आगे चले अपन ऐसे देखें एक्स माइनस वाई तो अपन कॉमन है, टू एलसीएम ले लिया तो जाएगा टू एक्स प्लस वाई बाई टू, पर यह आपका सी वन बाई टू, टू से टू कटेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस का टू बराबर सी वन। एक तो आपका ये आंसर आ गया, एक तो आपका ये आंसर आ गया है ना, ये प्लस टू सॉरी का ये प्लस टू है, ध्यान रखें ये आपका प्लस टू है। एक तो आपका ये आंसर हो गया है ना। दूसरे आंसर की और बात कर लेता हूँ, अगर मैं दूसरे आंसर की बात करूँगा तो देखें दूसरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक तो अपन ये वाली टर्म ले ली है ना, और दूसरी टर्म अपन क्या लेंगे तो डी एक्स की ले ली, डी वाई की ले ली। अब दूसरी टर्म से जब अपन इसका मान निकालेंगे दूसरे पद में, तो देखो ये वन प्लस वाई या आपका वन प्लस एक्स है ना, साफ साफ दिख रहा है, और आगे वाला आपका डी जेड वाई जेड है, ठीक है। तो अपन क्या करें कि कुछ ऐसा करें कि ये जो अपनी वन वन है ये आपका कट जाए आपस में है ना, वन वन जो है आपका आपस में कट जाए और किसी ना किसी वैल्यू के बराबर आ जाए, ऐसा ही कुछ करेंगे देखें है ना। तो अपन क्या करेंगे वही डी एक्स माइनस का डी वाई, अगर मैं डी एक्स माइनस डी वाई करता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा वाई माइनस का एक्स, यहाँ तो ठीक है, ये आपका डी जेड बाई जेड है ना। यहाँ से देखो आपका माइनस कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि पहले डी एक्स का पद और इसमें वाई का पद है ना, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये आपका माइनस कॉमन, ये आपका डी जेड बाई जेड है ना। अब ये माइनस उस साइड भेज दो तो आपका डी एक्स माइनस का डी वाई और एक्स माइनस का वाई इंटीग्रेट, और ये आपका माइनस डी जेड वाई इंटीग्रेट प्लस आपका लॉग आपका सी टू। अगर इसको करूँ तो कितना हो जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस का वाई, यहाँ तक ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस लॉग जेड प्लस लॉग सी टू, यहाँ तक ठीक है। लॉग जेड को साइड लाएंगे पॉजिटिव तो ये तो हो जाएगा अपना कितना लॉग है ना, और कितना जाएगा एक्स माइनस का वाई और यहाँ आपका जेड बराबर ही आपका लॉग सी टू, ये लॉग से लॉग कट गया है ना, लॉग से आपका लॉग कट गया, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो गया एक्स माइनस का वाई यहाँ आपका जेड और ये आपका सी टू। आपका जो सेकंड आंसर वो ये हो गया, फर्स्ट आंसर ये, सेकंड सॉल्यूशन जो आपका ये वाला हो गया है ना। इसी के साथ जो आपकी फिफ्थ भी है, फिफ्थ भी वो आपकी कंप्लीट है ना, वो आपकी कंप्लीट फिफ्थ भी जो आपकी वो कंप्लीट हो गई। अगर फिफ्थ भी कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो यूनिट तीसरी है, यूनिट थर्ड, वो भी पूरी हो गई है ना। अब अगर मैं देखूंगा कोई एक दो क्वेश्चन
मुझे एग्जाम्पल अच्छा लगा तो मैं करवा दूंगा, है ना, करवा दूंगा। और अगर मेरे को नहीं लगता है तो फिर अपन यूनिट थ्री का जो पार्ट पार्ट टू है, जो अथवा में आता है, जो आपका सिलेबस का नहीं है मतलब, तो अथवा में आता है तो आपको सेकंड क्वेश्चन में मिलता है, तो वो मैं सोच रहा था वो कराऊं, तो एक दिन एक क्लास उसकी हो जाएगी और उसके बाद आपकी यूनिट फोर जो है वो स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो आपका जो है वो एक एग्जाम्पल रहेगा, है ना, और वो थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल, तो इसके लिए मैंने बोल दिया था इसलिए कराता हूँ आपको, ना डी एक्स फ्रॉम एक्स या आपका डी वाई वाई वाई, आगे था आपका डी जेड, है ना, और यहाँ पर था जेड आपका, ये था ए, यहाँ पर अनुरूप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन देखिए, इसका फर्स्ट सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा है, ये लो फ्री टर्म है, इनको सॉल्व करिए, इंटीग्रल ऑफ प्लस आपका लॉग से, तो ये जा रहा है आपका लॉग एक्स प्लस आपका सॉरी बराबर आपका लॉग वाई प्लस आपका लॉग सिक्स, और ये हो जाएगा अपना लॉग एक्स, ये हो जाएगा आपका लॉग वाई सी वन, लॉग से लॉग कट जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका वाई सी वन, ये लो, है ना। फर्स्ट तो देखो बहुत सोलो है ना अच्छे से, सेकंड के लिए क्या करूँगा, एक्स देखें एक्स भैया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म है तो इसको वाई एक्स स्क्वायर होना है, दूसरे वाले का वाई ऑप्शन है, इसका लेगा जेड गुणांक लेने पर अगर गुणांक लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस आपका वाई डी वाई प्लस आपका जेड डी जेड, यहाँ तक तो ठीक है, हाँ। अब देखें तो आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका देखो ये जेड से गुणा होगा तो जेड स्क्वायर माइनस का ए जेड अनरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर, और बराबर में चल रहा हूँ डी वाई को, है ना, ये वाले कोफिशिएंट बराबर मान के आप ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, ना दोनों ही से कोई दिक्कत नहीं, जो आपको सही लगे आप उससे करें। ठीक है, मेरे को जो सही लगता है मैं उससे करता हूँ। अब आप क्या करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को अपन क्या मान लें, बी स्क्वायर मान लें, है ना, तो इसका करें तो जाएगा आपका टू कॉमन एक्स डी एक्स प्लस आपका वाई डी वाई प्लस आपका जेड डी जेड बराबर आपका कितना आ जाएगा टू बी डी, ये लो आपका टू से टू पड़ गया, यहाँ तक तो ठीक है, रख लें वैल्यूज रखें, वैल्यूज रखेंगे तो कितना जाएगा आपका वी और आपका डी वी, यहाँ तक ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस का ए जेड का जेड और आपका वी, अब ये आपका डी वाई बाई वाई, यहाँ तक ठीक है। अब वी कॉमन लेके काट दें, ये आपका डी और ये आपका वी और ये आपका वी माइनस का ए जेड और ये आपका डी वाई बाई वाई, यहाँ तक ठीक है। देखो आपका वी यहाँ वी से वी कट गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो ये ए जेड आ रहा है, जेड तो एक कोफिशिएंट नहीं सॉरी जेड एक चर पद है, वेरिएबल्स अपने पास था और इसका अपने को इसको अपन नेगलेक्ट नहीं मान सकते, कॉन्स्टेंट नहीं मान सकते, है ना, तो इसलिए अपने को जेड या तो खत्म करना होगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा क्या भी डी जेड की पता आ जाए, तो अपन ये डी जेड वाला जोड़ देते हैं इसमें, ना ये वाला देखो डी वी प्लस डी जेड करते हैं, ये हो गया आपका वी माइनस का ए जेड, ठीक है, इसमें अपन ने क्या जोड़ा ये वाले पर आपका प्लस जेड माइनस का ए और ये कितना आपका वी, ये वी तो ये वाला अनरूट वाला और ये आपका डी वाई बाई वाई चल रहा है, है ना, इसको देखे और सोल्व किया तो जगह आपका डी वी प्लस आपका डी जेड ना अनरूट, इसमें से देखो इसमें और इसमें से आपकी वी कॉमन आ गई, है ना, ये वन माइनस है और प्लस आपके जेड कॉमन आ गए ये भी वन माइनस है, ठीक है, और ये आपका डी वाई बाई तो सब में से क्या कॉमन आ जाएगा आपका वन माइनस का ए, देखो ये वाला मिटा देता हूँ, ये लगे अब हो गया अपन का वन माइनस ए कॉमन या आपका वन माइनस का ए कॉमन, है ना, ए और ये आपका कितना हो जाएगा डी वी वाई कितना वी प्लस जेड, वी प्लस जेड और ये आपका डी जेड ऊपर ही प्लस में या और ये आपका कितना आ गया डी वाई वाई, यहाँ तक ठीक, हाँ यहाँ तक ठीक है। अब देखिए
अब जो आपका कॉन्स्टेंट आएगा उसको मैंने क्या मान लिया, करो इंटीग्रल करो, और ये आपका कॉन्स्टेंट वो मैंने मान लिया सिट टू वन माइनस का ए, आपका मान लिया सिट टू मान लिया मैंने, और रुको उसको मैं सिट टू ही मान लेता हूँ है ना, या सिट टू डैश, चलो सिट टू डैश कर गया ठीक है। अब ठीक अब इसको करूँगा तो ये आपका वन माइनस का ए, और ये हो जाएगा आपका लोग वी प्लस का जेड, और ये हो जाएगा लोग वाई, और ये आपका लोग मानो लोग से टू डैश, तो ये हो जाएगा आपका प्लस आपका लोग सिट टू डैश है ना, ये सिट टू डैश मान लो, ये आपका वन माइनस वाई है, या आप इस साइड ले सब में इस साइड ले, तो ये हो जाएगा आपका लोग कितना वी प्लस जेड, अगर इस साइड ले जाऊँ तो गुणा में आ जाएगा, और फिर लोग की तरह मैं सिंगल रख लूँगा, और ये हो जाएगा आपका सिट टू डैश, और ये आपका वाई, और इन दोनों की पावर कितनी हो जाएगी वन माइनस का ए, याद रखिए इससे तो आपका ये कट जाएगा लोग से लोग वी प्लस जेड, वी का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर, और इसका रूट ये होता है आपका मान है ना, और आपका प्लस आर जेड ये तो गया इसका मान है ना, और देखिए यह आपका हो गया वाई वन माइनस का, यहाँ तक भी ठीक है, और सिट टू डैश वन माइनस ए जो होगा है ना इसका भी तो उसके ऊपर भी तो पावर है, उसको मान लेता हूँ नया कोफिशिएंट सिट टू, यहाँ पर लिख दूंगा जहाँ पर अपना सिट टू है वो कितना है सिट टू डैश और वन माइनस की ए, यह आपका सिट टू, तो यह मान लिया सिट टू, तो आपका ये जो सेकेंड है यह आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन, एक आपका ये सोल्यूशन हो गया, और एक आपका जो पहले आ गया था दोनों क्वेश्चन हो गए, इसी मतलब हो गया आपके यूनिट जो थ्री है वो आपकी कंप्लीट हो गई है ना। अब आपको करना क्या है, आपकी जो यूनिट तीन कंप्लीट हो गई है तो इस चैनल को आप थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि आपका 24 नंबर का मेट हो चुका है, थोड़ा तो बढ़ाएं है ना। धन्यवाद।